हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आरसी जांगीन आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज देखेंगे हम कर्ण जी के। इसकी पीडीएफ नीचे दिए गए लिंक से या फिर टेलीग्राम या फेसबुक ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का अपना पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने प्रवासी नागरिकों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर रहेगा पश्चिम बंगाल। यह ऐप पश्चिम बंगाल में फंसे अन्य राज्यों के लोगों को वापस लौटाने में मदद करेगी। आज का अपना दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? इसका सही उत्तर रहेगा कृष्णन रामचंद्रन। मैक्स बुपा स्वास्थ्य बीमा कंपनी का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। आज का अपना तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिरसा हरित ग्राम योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर रहेगा झारखंड। इसका उद्देश्य है ग्रामीण रोजगार के लिए सड़क के दोनों ओर फलदार वृक्ष लगाना। आज का अपना चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु आर्कटिक एम नामक अपना पहला उपग्रह लॉन्च करेगा? तो इसका सही उत्तर रहेगा रूस। आर्कटिक एम एक रिमोट सेंसिंग और आपातकालीन समाचार उपग्रह है। यह मौसम संबंधी डेटा एकत्रित करेगा। आज का अपना पांचवा क्वेश्चन है, 2021 में होने वाली फीना एक्टिवेक्स विश्व चैंपियनशिप अब किस वर्ष होगी? तो यह होगी 2022 में और इसका आयोजन जापान के फुकुओका शहर में किया जाएगा। आज का अपना छठा क्वेश्चन, भारत के तीन पत्रकारों ने किस श्रेणी में 2020 पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो वो है ऑप्शन बी पिक्चर फोटोग्राफी में। भारत के तीन पत्रकार थे दारियासिन मुख्तार खान और चत्री आनंद। आज का अपना सातवां क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने डीजल पेट्रोल और मोटर स्पीड के लिए कोविड-19 उपकरण लगाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए नागालैंड। लॉकडाउन के चलते आर्थिक गतिविधियां काफ़ी कम हो गई है जिससे राज्यों को राजस्व की कमी का सामना करना पड़ रहा है। आज का अपना आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंडिया एसएमई सर्विस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी SIDBI। यह प्लेटफॉर्म एमएसएमई उद्योगों के लिए ऋण संबंधी जानकारी प्रदान करेगा और इसकी फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को और सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर। आज का अपना नौवां क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाथ स्वच्छता दिवस किस दिन मनाया गया? तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी 5 मई को और इसकी थीम 2020 में थी सेव लिव्स क्लीन योर हैंड्स। आज का अपना दसवां क्वेश्चन, अमेरिका ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को IBRD के प्रतिनिधित्व के रूप में मनोनीत किया? तो इसका ऑप्शन सही रहेगा ऑप्शन बी अशोक माइकल। और IBRD विश्व बैंक समूह का एक हिस्सा है। IBRD की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आज का अपना ग्यारहवां क्वेश्चन, किस राज्य में प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वालों बच्चों के लिए संपर्क बैठक नामक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है? तो इसका ऑप्शन सही रहेगा ऑप्शन सी हरियाणा के अंदर। इसके माध्यम से लॉकडाउन के दौरान बच्चे घर बैठे पढ़ाई कर पाएंगे। अब देखा जाए हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल सिंह जी खट्टर। आज का अपना बारहवां क्वेश्चन, हाल ही में आर्मी ट्रेनिंग कमांड के लिए कमांडर कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन सही रहेगा ऑप्शन बी राज शुक्ला। आर्मी ट्रेनिंग कमांड ये भारतीय सेना की 7 कमांडों में से एक है। यह शिमला में स्थित है। आज के लिए बस इतना ही।
हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।